एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे अमृत पुरुष परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद सूक्त संख्या 2, दित्यम सूक्तम, ऋषि मधुछंदा, देवता वायु, छंद पिपीलिका, मध्य निचरद गायत्री, स्वर सड़ज। ओम वायवा याहि दर्शते मे सोम अरंकृतः, तेषां पाहि श्रुधि हवम। वह परमेश्वर सब बुराइयों का विनाश करने वाला है, वह सभी दुरितों का विध्वंस करने वाला है। दुरित क्या है? अश्रद्धा, आलस, अदान यानी दान न करना, अनभ्यास, योग मंत्र जप, आराधना वेद पाठ आदि का अभ्यास न करना, अनुचित कर्म करने से, अनुचित व्यवहार से जो दुख कष्ट की आभा उत्पन्न होती है उसको दुरित कहा जाता है। हे दुरितों का विध्वंस करने वाले अमृत पुरुष परमेश्वर, तू आ मेरे हृदय के आसन पर बैठ, मेरी आत्मा तेरे दर्शन के लिए व्यथित है। मेरे हृदय को अपने प्रकाश से ज्योतिर्मान कर, मैं सदा अपनी अंतरात्मा में तेरा दर्शन करता रहूं। मैं आत्मा से सदा पवित्र बना रहूं। मेरे भीतर अमृत कण तेरी स्तुति तेरी आराधना के लिए मैंने इकट्ठे किए हैं। हे आदि देव, मेरी इस प्रार्थना को, इस पुकार को सुन। मुझे सौम्यता मृदुता प्रदान कर, मेरी आत्मा का सद्गुणों से तू श्रृंगार कर और सब प्रकार से तू मेरी रक्षा कर। मंत्र संख्या 2, ऋषि मधुछंदा। ऐसा ऋषि जिसका अंतःकरण ईश्वरीय प्रेम की मिठास से भरा हुआ है, देवता वायु परमात्मा के गतिमान स्वरूप का वर्णन, छंद पिपीलिका मध्य निचरद गायत्री 3 पंक्तियों में जो ऋचाएं निबद्ध हैं वे सब गायत्री कही जाती हैं। स्वर सड़ज, संगीत में प्रथम स्वर सा, वाय उक्थे भीर जरन्ते त्वामच्छ जरितारह, सुत सोम अहविर्दह। मेरे दुरित दुर्भावनाओं को दूर करने वाले, अनिष्टों को दूर करने वाले हे ज्योतिर्मान पुरुष, मैं संयम और सोम कणों के द्वारा तेरी आराधना करता हूं।
मंत्रों और स्त्रोतों के द्वारा तेरी आराधना करता हूँ। हे प्रभु, जहाँ तेरा स्तवन होता है वहाँ आसुरी वृत्तियाँ नहीं पनपती। जहाँ तेरी स्तुति तेरी आराधना का प्रकाश है वहाँ वासनाओं का अंधकार कहाँ। ये ऋषिगण तेरी तरफ बढ़ रहे हैं, इन्होंने अपनी भौतिक आसक्ति को कम कर दिया है, त्याग दिया है, इसीलिए ये तेरे समीप होते चले जाते हैं। तेरे सानिध्य के कारण ही हम सोम यानी अमृत कणों को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। युवावस्था में हमने इन अमृत कणों को ग्रहण किया है, वृद्धावस्था में इनका संग्रह नहीं हो सकता। जो ऋषिगण हैं, जो तेरे सच्चे सेवक हैं, मित्र हैं, वे अपनी युवावस्था में इन सोम कणों को ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा एकत्र करके इस सोम का तुझे अर्ध प्रदान करते हैं। इस सोम धारा से तेरे चरणों को धोते रहते हैं। मंत्र संख्या 3, ऋषि मधुछंदा, देवता वायु, छंद गायत्री, स्वर षड्ज, वायो तव प्रपंचति, धेना जिगाति दाशुषे, उरुचि सोम पीतये। संपूर्ण ज्ञान के भंडार हे ज्ञान रूप परम ब्रह्म आदि पुरुष परमात्मा, तेरी वाणी हमें प्राप्त होती है। हमने अपनी आत्मा के सीप को तेरी तरफ को खोला हुआ है। जिस सीप का मुख खुला है उसमें स्वाति बूंद आके गिरती है, सच्चा मोती बनता है, तेरे ज्ञान के सच्चे मोती हमें प्राप्त होते रहते हैं। तेरे संपर्क में आके हमारी वाणी अमृत और ज्ञान से युक्त हो जाती है। तेरे संपर्क में आने वाला विनम्र और हृदय से विशाल बन जाता है। यह है मन के और आत्मा के विज्ञान को समझने वाला बन जाता है। परमेश्वर की स्तुति गाने वाले अपनी आत्मा को उस अजर अमर अति प्रीतम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण इन आत्माओं के परम ब्रह्म से संपर्क को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है। सोमपान के लिए शरीर में शक्ति को सुरक्षित करने में सहायता प्रदान करता है। मंत्र संख्या 4, ऋषि मधुछंदा, देवता इंद्र वायु, छंद गायत्री, स्वर षड्ज। इंद्र वायु इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम इंदवो वामो शंति ही। जो जितेंद्रिय पुरुष है वह सदा सत्कर्मों में लगा रहता है, वह परम ब्रह्म इस ऋषि से कहता है, ये सोम ये अमृत
मैंने तेरे लिए उत्पन्न किया है। इस सोम को तू पान कर, ग्रहण कर, इसकी रक्षा कर, रक्षण कर। तेरा भोजन सात्विक होवे, तेरे विचार सात्विक होवे, तेरा तप और त्याग सात्विक होवे। तू मेरे समीप आ, मेरे निकट हो, विपरीत विचारों का त्याग कर दे। अपनी बुद्धि को पवित्र और सूक्ष्म बना। तुझको मैं परम ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। मंत्र संख्या 5, ऋषि मधुछंदा। देवता इंद्र वायु, छंद गायत्री, स्वर षड्ज। वायवेन्द्रश्च चेतथः, सुतानां वाजिनी वसु, तावायात मुप द्रवत। वह परमात्मा कहता है, सदा पुरुषार्थ में लगे रहने वाले पुरुष, हे पवित्र हृदय वाले, हे जितेंद्रिय, शरीर में उत्पन्न हुए इस सोम के द्वारा तू उच्च ज्ञान को प्राप्त कर। सावधान रहे, प्रातः काल में उठ, उस समय शयन ना कर। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय इस जीवात्मा का उस परम ब्रह्म से मिलने का समय है। इस समय निद्रा का त्याग कर। मंत्र संख्या 6, ऋषि मधुछंदा। देवता इंद्र वायु, छंद निचरद गायत्री, स्वर षड्ज। वायवेन्द्रश्च सुनवत आ यातमुप निष्कृतम, मक्षवि तथा धिया नरह। शरीर में ब्रह्मचर्य के द्वारा इस अमृत की रक्षा कर। अपने जीवन को संस्कृत कर, निरोग रहे, मन को पवित्र और प्रकाशमान बना। ऐसा बनकर उत्तर पथ में ईश्वर की तरफ को गमन कर। जिस पथ में देवगण चलते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हुई आत्मा, हृदय जिसमें से सब बुराइयां निकल गई हैं, वो ही उस प्रभु परमात्मा आदि पुरुष परम ब्रह्म की निकटता को प्राप्त करता है। मंत्र संख्या 7, ऋषि मधुछंदा। देवता मित्र वरुण, छंद गायत्री, स्वर षड्ज। मित्रम हुवे पूतदक्षम वरुणम च ऋषादसम, धियम धृताचीम साधनता। हे प्रेम के देवता, अमृत पुरुष परमात्मा, मेरी आत्मा तुझको पुकारती है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरा अति प्रीतम बनकर, मेरा मित्र बनकर तू मेरे हृदय में निवास कर। तेरे प्रेम की भावना के कारण मैं सारे संसार को प्रेम करने वाला बनूं। जो मेरे पास द्रव्य धन भोजन आदि है, वह मैं प्रसन्नता से दूसरों को प्रदान करूं। हे प्रेम के देवता,
हे आदि पुरुष, हे अति प्रीतम परमात्मा, मैं तुझको पुकारता हूं। मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष ना हो, मेरे प्रति किसी को कष्ट और हिंसा प्राप्त ना हो। ज्ञान पूर्वक कर्म करता हुआ मैं सिद्ध आत्मा बनूं, देवताओं जैसी दीप्ति और प्रकाश से मेरा मस्तक सदा उज्जवल बना रहे। मंत्र संख्या 8, ऋषि मधुछंदा, देवता मित्र वरुण, छंद गायत्री, स्वर सड़ज, ऋतेन मित्रवरुण व्रत व्रधा व्रत स्प्रशा क्रतु ब्रहंत माशाथे। प्राणरपान यानी प्राणायाम की साधना करते हुए हे ऋषियों, ऋत यानी नैतिकता को प्राप्त करो, उच्च आचरण को प्राप्त करो। प्राण जो ईश्वर की आभा है, अग्नि जो ईश्वर की आभा है, द्यु विद्युत मंत्र शक्ति से जो विद्युत उत्पन्न होती है, वह हमारी आत्मा को उस आदि पुरुष परमात्मा तक ले जाती है। हमारे स्वभाव की मृदुता, विनम्रता, कोमलता हमारे अमृत में वृद्धि करती है। हमारे नैतिक कार्यों के कारण संसार का प्रेम हमें प्राप्त होता है। हमारे विचारों की संकीर्णता नष्ट हो जाती है और हमारी अपवित्रता, दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है और ईश्वर की आभा, विशालता, विशाल हृदयता हमें प्राप्त होती है। मंत्र संख्या 9, ऋषि मधुछंदा, ऐसा ऋषि जिसका हृदय, जिसका अस्तित्व ईश्वर प्रेम की मृदुता से भरा है, देवता मित्र वरुण परमात्मा का मित्र रूप, जो कि वो हमारा अति प्रिय अति प्रीतम है, और वरुण जिसे अपना सर्वस्व करके हमने वर लिया है, वरण कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। छंद गायत्री तीन पंक्तियों में जो ऋचाएं गाई जाती हैं, ऐसा छंद है गायत्री। स्वर सड़ज, पहला स्वर सा। कविनो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया दक्षे दधाते अपसम। हे परमेश्वर, हम आपस में प्रेम और द्वंद रहित जीवन व्यतीत करें। तेरा दिव्य बल और शक्ति, तेरी व्यापकता हमें प्राप्त हो, हम उदार कर्म करने वाले बने, द्वेष ईर्ष्या अभिमान से ऊपर उठ के हम कार्य करें। तू हमें दक्ष चतुर कुशल बना, हमें सूक्ष्म बुद्धि प्रदान कर, ऐसी बुद्धि जिस धर्म बुद्धि के द्वारा ऋतंबरा के द्वारा ऋषिगण हे पुरुष ब्रह्म तेरा दर्शन करते हैं। हमारे विचार, हमारा जीवन संकुचित ना हो, विशाल हो, विराट हो।
सारे जगत को हम अपना मित्र समझें, संयमी बने, परोपकार के कार्य करें, और हे आदि पुरुष परमात्मा, हे अति प्रीतम, हम तेरे प्रेम को प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। इक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। दूसरा सूक्त समाप्त।